मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती, उस गांव के बारे में अजीब अफवाहें फैली थी। लोग कहते थे कि वहां दिन में भी मौत का एक काला साया रोशनी पर पड़ा रहता है, शाम होते ही कब्रें जमाइयां लेने लगती हैं और भूखे कंगाल अंधेरे का लबादा ओढ़कर सड़कों, पगडंडियों और खेतों के मेंढों पर खाने की तलाश में घुमा करते हैं। उनके ढीले पंजरों की खड़खड़ाहट सुनकर लहसों के चारों ओर चिल्लाने वाले गिनोने शियार सहम कर चुप हो जाते हैं और गोश्तखोर गिद्धों के बच्चे डैनों में सिर ढांप कर सूखे ठूंठों की कोठरों में छिप जाते हैं। इसी वजह से जब अखिल ने कहा कि चलो उस गांव के आंकड़े भी तैयार कर लें, तो मैं एक बार काम गया। बहुत मुश्किल से पास के गांव का एक लड़का साथ जाने को तैयार हुआ। सामने 2 मील की दूरी पर पेड़ों के झुरमुठों में उस गांव की झलक दिखाई दी। मील भर पहले ही से खेतों में लाशें मिलने लगी। गांव के नजदीक पहुंचते पहुंचते तो ये हाल हो गया कि मालूम पड़ता था भूख ने इन गांव के चारों ओर मौत के बीज बोए थे और आज सड़ी लाशों की फसल लहलहा रही है। कुत्ते, गीद, सियार और कौवे उस फसल का पूरा फायदा उठा रहे थे। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और बदबू से हम लोगों का सिर गुम गया। मगर फिर जैसे उस दुर्गंध से लदकर हवा के भारी और अदमरे झोंके सूखे बांसों के झुरमुठों में अटक कर रुक गए। सामने मुर्दों के गांव का पहला झोंपड़ा दिख पड़ा। 3 ओर की दीवारें गिर गई थी और 1 ओर की दीवार के सहारे आधा छप्पर लटक रहा था। दीवार की आड़ में एक कंकाल पड़ा था। साथ वाला लड़का रुका। यह निताई दीवर है, कहां? अखिल ने पूछा। वह निताई दीवर सो रहा है, लड़के ने कंकाल की ओर संकेत किया। वह दीवर था और गांव का सबसे पट्टा जवान। अकाल पड़ा, भूख से उसकी मां मर गई, उसके पास खाने को न था। फिर लकड़ी लाकर चिता सजाना तो असंभव था। उसने अपनी नाव बाहर खींची, मां के शरीर को नाव में रखा, ऊपर से सूखी घास रखी और आग लगा दी। रहा सहा सहारा भी चला गया और एक दिन वह भी यहीं भूखा सो गया। यहीं इसी जगह उसकी मां ने भी दम तोड़ा था, वो लड़का बोला। हवा का झोंका फिर चला और खोखले बांसों से गुजरती हुई हवा सन्नाटे में फिसल पड़ी। लड़का चीख पड़ा, वह सांस ले रही है, सुना नहीं आपने? कौन? वह जुलाहिन सांस ले रही है, क्या वाहियात बकता है? अखिल ने झुंझला कर डांटा। कौन जुलाहिन? आपको नहीं मालूम? वो सामने झोपड़ी है ना, उसी में जुलाहे रहते थे। उसमें से 3 भूख से मर गए, रह गए सिर्फ जुलाहा, जुलाहिन और उनका करगा। मगर भूख से उनकी नसें इतनी सुस्त थीं कि करगा भी बेकार था। उन्होंने पास के जंगल से झड़े खोदकर खानी शुरू की। उनके दांत नुकीले हो गए जैसे सियारों के खीसे। जुलाहा बीमार पड़ गया, जुलाहिन जड़े खोदने जाते थे। एक दिन जड़े खोदते वक्त खुरपी उसके कमजोर हाथों से फिसल गई और बाहें हाथ की तर्जनी और अंगूठा कटकर गिर गया। जब वह घर पहुंची तो भूखा व बीमार जुलाहा जल्ला उठा और चिल्ला कर बोला, निकल जा मेरे घर से, अब तू बेकार है, न करगा चला सकती है न जड़े खो सकती है। तब से जुलाहिन का पता नहीं है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि वो भूत बनकर गांव की कब्रों के पास घुमा करती है। वह अब भी सांस ले रही थी, सुना नहीं आपने? अखिल ने मेरी ओर देखा और मैंने अखिल की ओर। हम दोनों आगे बढ़े और जुलाहों के झोंपड़े में घुसे। लड़का ठिठका, मगर हिम्मत दिलाने पर वह भी आगे बढ़ा। हम लोग अंदर गए, लड़के ने अंदर से किवाड़ बंद कर लिए और हम लोगों से सटक कर खड़ा हो गया। वह डर से कांप रहा था। सामने आंगन में 3 कब्रें आसपास खुदी हुई थीं। बीच की कब्र में एक बड़ा सा छेद था, उसमें से एक बीजू निकला और हम लोगों को डरावने निगाहों से पल भर देखकर सिर झटका और फिर कब्र में घुस गया। आंगन में किसी मुर्दे के सड़ने की तेज बदबू फैल रही थी। अखिल ने अपना कमरा संभाला और फोटो लेने की तैयारी की। इतने में पीछे के किवाड़ खड़क उठे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अखिल बोला, कोई शियार होगा। किवाड़ को किसी ने जैसे बार बार धक्का देना शुरू किया। मैंने सोचा शायद जिंदा आदमी की गंध पाकर गांव भर के मुर्दे हम पर हमला करने आए हैं।
मेरे खून का कतरा कतरा डर से जम गया। लड़का बुरी तरह से चीख पड़ा। अखिल धीमे धीमे गया, धीरे से किवाड़ खोल दिया। उसके बाद बुरी तरह से चीख कर भागा और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं बदहवास हो रहा था और आपको यकीन न होगा मैंने दरवाजे पर क्या देखा। मैंने जिसे देखा वह आदमी नहीं कहा जा सकता था, वो जानवर भी नहीं था, भूत भी नहीं, एक औरतनुमा शक्ल जिसकी खाल जगह जगह पर लटक आई थी, सिर के बाल चढ़ गए थे, निचला होंठ झूल गया था और दांत कुत्तों की तरह नुकीले थे। मालूम होता था जैसे आदमी के ढांचे पर छिपकली का चमड़ा मट दिया गया हो। उसके दाएं हाथ में एक खुरपी थी और बाएं हाथ की दो अधकटी और तीन साबुत उंगलियों में कुछ जड़ें। वह पल भर दरवाजे के पास खड़ी रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं चीखना चाहता था मगर गला जवाब दे चुका था। वह हमारे बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई, जड़ें जमीन पर रखती और अपने तीन उंगलियों वाले हाथ को मुंह के पास ले जाकर कुछ खाने का इशारा किया। हम लोगों की जान में जान आई, वह भूखी है, वह आदमी ही होगी क्योंकि भूख आदमियत की पहचान है। अखिल ने अपने झोले में से केला निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। उसने केला उठाया और मुंह के पास ले गए मगर फिर थूक गए, उठी और झोपड़ी के दूसरी ओर चल दी। हम लोगों को कौतूहल हुआ, हम लोग भी पीछे पीछे चले। वह औरत सहन के एक कोने में गई, वहीं एक मुर्दा था जिसकी सड़ांध आंगन में फैल गई थी। देहाती लड़के ने उसे देखा और पहली बार उसके मुंह से आवाज निकली, जुलाहा, यह तो जुलाहे की लाश है, यह जुलाहिन उसे भी भूत बनाने आई है। जुलाहिन लाश के पास गई, लाश सड़ रही थी, उसमें चींटियां लग रही थी। उसने केला और जड़ें लाश के मुंह पर रख दी और हंसी। हंसी की आवाज मुंह से नहीं निकली मगर खीसों को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि वह हंसी हो। दूसरे ही क्षण वह बैठ गई और मुर्दे की छाती पर सिर रखकर सुबकने लगी, वो जुलाहिन है मगर यह तो कम से कम 70 बरस की होगी। 70 बरस? नो, इट इज ड्रॉपसी। देखते नहीं, जहरीली जड़ें खाने से उसकी नसों में पानी भर गया है, मांस जूल गया है। अखिल बोला, इस मुर्दे को हटाओ वरना यह भी मर जाएगी। उसके बाद हम लोग झोपड़े के भीतर आए, पास में एक गड्ढा था, सोचा इसी में लाश गाड़ दी जाए। भीतर आए, लाश के पास से जुलाहिन को हटाया और उसकी लाश भी एक ओर लुढ़क गई। मैं घबरा गया, बेहोश सा होने लगा। अखिल ने मुझे संभाला। हम लोग थोड़ी देर चुप रहे, फिर मैं बोला भारी गले से, अखिल, उंगलियां कट जाने पर यह निकाल दी गई, फिर किस बंधन के सहारे, आखिर किस आधार के सहारे यह मरने से पहले जुलाहे के पास आई थी जड़ें लेकर, क्यों? अखिल चुप रहा। मुर्दों के गांव की दोनों आखिरी लाशें सामने पड़ी थीं। अच्छा उठो, अखिल बोला। हम लोगों ने लाशें उठाई और गड्ढे में डाल दी, एक ओर जुलाहा दूसरी ओर जुलाही, बांस के सूखे पत्तों से उन्हें ढक दिया। मैंने अपनी उंगली से धूल में गड्ढे के पास लिखा, ताजमहल 1943, और हम चल पड़े।